No puedo abrir ese link y eso para la foto. Es que parámetros que hacer alguien. Parámetros matan que hacer. Standards hacer. What do you mean by parameter? X equal to A cos theta. Or Y equal to A sin theta. Parameter matan ऐसे points जो satisfy कर दो. तो x square plus y square क्या हो जाएगा? X square cos square और x square. तो मैं x square common निकला. इसका अगर मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या करो ना ऑस्कर पर साइंस करके लगा इक्वेशन ऑफ सर्कल इसको बोलते स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बोलते इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल मतलब जिसका सेंटर 0 0 है सेंटर क्या रहता रेड और कौन बच्चे लोग रेड उठा रहे हैं कोई नहीं ऊपर जो उनका दिग्विजय और रोहित दर्शन वो लंबा एक और चौक दे रहा है दूसरा सर्कल का जो इक्वेशन होता ना जो बच्चों को याद दिया था और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल को लोगों को बताएगा कोई इक्वेशन ऑफ सर्कल इन क्या बोल रहा हूँ डायमीटर फॉर्म टेंथ स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था सर्कल होगा ना और एक तुम्हारा डायमीटर होगा एक्स वन वाई वन रहता और ये क्या रहता बोलो ना एक्स टू वाई टू रहता और ये सबको पता ही है सर्कल का कि अगर कोई पॉइंट ए बी रहेगा तो एंगल कितना रहेगा और डबल होता है तुम्हारा काय चॉकलेट रामन चॉकलेट ना ये एक्स कॉमा वाई क्या रहेगा कोई भी पॉइंट रहेगा बारामती ये कोई भी पॉइंट रहेगा एंगल 90 मान लिया एंगल ए बी भी 90 है तो स्ट्रेट लाइन में तुमने सीखा दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का क्या मतलब है स्लोप का स्लोप ऑफ ए पी इनटू स्लोप ऑफ पी बी क्या होता है बोलो जरा जोर से माइनस और इफ टू लाइन का परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप विल बी तो माइनस वन स्लोप कैसे निकालते जरा बोलो वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन ये वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन एक्स टू कितना आएगा बोलो ना तो ऐसा आएगा y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू बोलो ना एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इसको इस तरह लाओ इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म वेरी फेमस इक्वेशन पीपल डोंट नो दिस बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग दिस टीचिंग द थ्योरी इज वेरी सिंपल प्रैक्टिसिंग द सम इज टफ बिकॉज यू हैव टू एनालाइज योर बेसिक्स तो टेल मी व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 जब भी मैंने 2D सिखाया मैंने 3D सिखाया मेरा सिखाने का तरीका अलग है अभी इसका सर्कल 2D में है अभी हमको स्पीयर है 3D में स्पीयर ना तो स्टेट बोर्ड को था ना सीबीएसई बोर्ड को था लेकिन एनडीए को आएगा जेई को आएगा तो स्पीयर में फॉर्मूला ऐसा आएगा क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल क्या आएगा बोलो ना स्पीयर क्या हो गया ये ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्पीयर इन डायमीटर फॉर्म क्या है स्पीयर में क्या फर्क आता है बच्चों को बोलो ना स्पीयर तुम्हारे हिसाब से क्या है प्लस जेड माइनस जेड स्पीयर ऐसा ना तुम्हारा 3D में रहेगा ना तो ये तुम्हारा पॉइंट x1 y1 और क्या रहेगा बोलो ना z1 और यहां क्या रहेगा तुम्हारा x2 y2 और क्या रहेगा बोलो ना z2 तो और ये तुम्हारा पॉइंट p रहेगा सिंगल पॉइंट तो अभी तुम्हारा इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म फॉर स्पीयर क्या रहेगा इक्वेशन ऑफ स्पीयर इन डायमीटर फॉर्म क्या रहेगा अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तो मैथ्स बहुत इजी है बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट तीसरा और आखिरी बात ये बुझाओ हाँ ये नहीं आया ना तुम्हारे को अच्छा यू डिडंट गेट दिस सम ना दैट शोज दैट नोबडी कैन पास एंट्री उसको चांसेस है ये लड़का है ना सिंधे वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है लेकिन उसने वो दिमाग लगाया जिसको ऐसा दिमाग लगा सकता ना रोशन दिमाग लगाया उसको समझा उसने क्या किया वो लड़का एनडीए पास है इसने मैं एट सम सबसे बेस्ट समझा जो एप्लीकेशन बेस्ड है जो तुम्हारा दिमाग चेक करता कि तुम्हारे को जो डाटा दिया उस डाटा से तुम अननोन निकाल सकते क्या नहीं निकाल सकते अगर तुम निकाल सकते तो तुम एनडीए पास है नहीं है तो मुश्किल है कौन बोलेगा तीसरा और आखिरी बार बोलो
जब भी मैंने सर्कल सिखाया मैंने थ्योरी रिपीट नहीं किया, वही थ्योरी है सर्कल के थ्योरी में सिर्फ तीन ही पॉइंट है, क्या क्या है? सबसे पहला क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा क्या बोला मैंने? डायमीटर फॉर्म। तीसरा कौन बोले? तीसरा हाँ वेरी गुड, जोर से बोलना जा रहा सेंटर रेडियस फॉर्म। साल में कितने बार सीखता था आपसे? बिल्कुल बोलता नहीं। सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म मतलब सेंटर मतलब समझता ना, सेंटर सेंटर क्या है, रेडियस का मतलब समझता ना, रेडियस का मतलब समझता ना आर। ये जनरल फॉर्म है, दिस वॉज स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म योर सेंटर वॉज जीरो जीरो, इन जनरल फॉर्म योर सेंटर कैन बी एनी पॉइंट। सो नाउ वी नो द डिस्टेंस सीपी इज आर, व्हाट इज सीपी का स्क्वायर? आर स्क्वायर। सीपी का स्क्वायर सीपी स्क्वायर कैसे लिखेंगे बोलो ना? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस क्या बोलो? आई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस मामला तो मालूम है ना, इसको सेंटर रेडियस फॉर्म हो गया। बॉयज सीरियसली सर्कल पढ़ा के हो गया, इंडिया में सर्कल आता है इतना ज्यादा, लेकिन इसके ऊपर तुम 200 सम करेंगे ना तो भी तुमको सर्कल नहीं आएगा, उतना टफ है। क्योंकि तुमको स्ट्रेट लाइन अच्छे से आना चाहिए, तुमको लोकस एक चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, तो तुमको सर्कल आएगा। सिखाने का ना इतना चाहिए। अब इसको क्या करते सेंटर रेडियस फॉर्म को, इसको एक्सपांड करते, ये तो आता है ना एक्सपांड करने को, इसको भी एक्सपांड करते। अरे कर सकते क्या एक्सपांड इसको? फिर एक्स स्क्वायर लिखा, वाई स्क्वायर लिखा, माइनस टू एक्स एक्स लिखा, माइनस टू वाई भी लिखा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखा, हो गया। अभी अच्छा दिखने के लिए कि माइनस एच को जी पकड़ दे, माइनस के को एफ पकड़ दे, और ये जो तीन कॉन्सेप्ट है ना एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस क्या आर स्क्वायर, इसको क्या पकड़ दे बोलो? अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि सेंटर तुम्हारा एच को मा के था ना, अरे था के नहीं था, तो अभी सेंटर एच को मा के बदले, एच के बदले माइनस जी लिख सकते कि नहीं, और के बदले माइनस, और ये डालो इसमें एच के बदले माइनस जी डालो, और के बदले माइनस एफ डालो, आर स्क्वायर इक्वल सी है, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू क्या बोलो जोर से? अंडर रूट बोलो ना, क्या जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है तो रेडियस मिलेगा इक्वल टू आर इक्वल टू बैक साइड इज बैक, तो ज्यादा रहेगा तो आउटसाइड सर्कल, कम रहेगा तो इन साइड सर्कल। तो ये वैल्यू जरा अच्छे से लिखो, जरा क्या एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, देखो ना क्या हो गया, टू जी एक्स हो गया, टू एफ आई हो गया, सबको तुमने सी बोला। तो बॉयज ये जो इक्वेशन है ना इसको ध्यान से देखो, इसको बोलते जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या बोलते हैं इसको? कल जो लोग सोए नहीं थे उनको बोल रहा, मैंने तीन चीज बात किया था, अमर अकबर एंथनी मेरा डायलॉग है। पहला मैंने बोला था कि ये तुम्हारा डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना, कौन सा डिटरमिनेंट जरा बोलो, याद है कि नहीं? डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना सर्कल के बारे में जो बात करते ना, तीन पॉइंट बात करते। दूसरा मैंने क्या बोला था सर्कल में ए और बी क्या रहना होता, और तीसरा क्या बोला था मैंने तुम्हारे, अरे बोला था कि नहीं? कल तुमको बता था डेल्टा जनरल इक्वेशन कौन एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, या कंप्लीट इक्वेशन मध्ये इक्वेशन सर्कल कधी असत? जब एच क्या रहने मांगता जीरो और ए और बी इक्वल आने वाला और इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना मांगता। देखो अब इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल है कि नहीं? अरे इक्वल है कि नहीं? और एक्स वाई का टर्म है क्या? एक्स वाई का टर्म है इधर, एक्स वाई का टर्म है क्या? एक्स वाई का टर्म है क्या? तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल। कौन सा सर्कल है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। Now what is equation of sphere in center radius form? Anybody can guess? If I say the center is U, V and W and the radius is R, so what is equation of center radius form for equation of sphere? Who will say? Bolo. X minus U ka, then Y minus V ka, Z minus W ka, is equal to R. आके नहीं क्या सीखा तुम्हारे को? इक्वेशन ऑफ इंग्लिश फॉर्म सेंटर रेडियस। अच्छा स्पीयर में अगर ये डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट सेंटर है ना, ये मिड पॉइंट कैसे जोड़ेंगे जरा बोलो? एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू और वाई वन प्लस तसच स्पीयर है, इथे जर एक पॉइंट असेल एक्स वन वाई वन झेड वन असेल आणि इथे एक पॉइंट एक्स टू वाई टू झेड टू असेल, आपल्याला मिड पॉइंट काढायचा यू, तर यू कसं काढणार?
दूसरा तीसरा खलास इतना चेहरे तुम्हें